कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बाढ़ की स्थितियों की तैयारियों को लेकर के अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बातचीत भी करने वाले हैं और थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ की यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीएम योगी बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। तमाम अधिकारियों से जानकारियां ली जाएंगी कि किस तरीके से उनके जिले में तैयारियां करके रखी गई है, किस तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो करके रखी है जिसके कारण सड़कों पर जल जमाव ना हो, इसी के कारण कौन से संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर क्या स्थिति आया है, किस तरीके से पूरी की पूरी व्यवस्था जो है उसको बनाया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर के अधिकारियों के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जिस तरीके से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, तमाम जगहों पर बारिश की खबरें जो है वो सामने आ रही है, जल जमाव की खबरें सामने आ रही है, उसको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और इसी खबर को लेकर के हमारी सहयोगी निकिता हमारे साथ मौजूद हैं। निकिता, सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, इसी के साथ साथ तमाम जिलों की जानकारियां ली जाएगी, जल भराव की स्थितियां जैसे तमाम क्षेत्रों में बन रही है उसको लेकर के जानकारियां ली जाएंगी, तैयारियों की जायजा लिया जाने वाला है, क्या कुछ इस बैठक के बाद सामने आ सकता है निकिता? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो उनके साथ बैठकों का सिलसिला है वो जारी है और इस बीच आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से अब मॉनसून कई जगहों पर आ गया है और इसके मद्देनजर जिस तरीके से बाढ़ और जल भराव की स्थितियां हैं उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि वाटर लॉगिंग जैसी जो अन्य समस्याएं हैं मॉनसून के दिन आती है मॉनसून के आसपास वो ना आए। और साथ ही साथ जिस तरीके से आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से अब जो संत और पुरोहित हैं उनकी मदद के लिए जो कल्याण बोर्ड है उसको गठन करने का भी फैसला किया गया है, इसमें भी इसका प्रस्ताव रखा गया है। और यूपी ऐसा पहला राज्य होगा जहां धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए जो है अलग से कल्याण बोर्ड होगा, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगली कैबिनेट बैठक में जो इससे प्रस्ताव है वो पास किया जा सकता है। और साथ ही साथ सभी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी जल भराव को लेकर के लगातार नए कानून को लेकर के लगातार जो बैठकें हैं वो कर रहे हैं और बैठकों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। निकिता, इसके साथ साथ बाढ़ को लेकर के यहाँ पर बातचीत होने वाली है, लेकिन जब बारिश होती है बाढ़ आती है तो वो कई तरीके की समस्याएं भी आती है, कई तरीके के डिजीज जो है वो लोगों में आती है, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के अलर्ट नजर आ रहा है और क्या स्वास्थ्य को लेकर के भी इस बैठक के दौरान बातचीत होने वाली है? निकिता, जाहिर है जब मॉनसून एंटर कर चुका है कई जगह पे और अब लगातार जो बारिश है वो हो रही है तो आगामी समय में जो वाटर लॉगिंग है उसको लेकर के दिक्कत ना हो, क्योंकि वाटर लॉगिंग जब होती है तो एक जगह जो जल है वो भर जाता है, यानी कि जल भराव जैसी जो समस्याएं हैं वो लोगों को देखनी पड़ती है और जो लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं खासकर उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जल भराव की स्थिति में कई बीमारियों फैलने को लेकर के भी डॉक्टर्स को पहले से ही निर्देश दे दिए गए।